जिले में नाबालिग के साथ मारपीट और अश्लील हरकतें करने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ऐसा ही मामला रीवा जिले के सगरा थाने से सामने आया है, जहां 19 तारीख की शाम 5 बजे के लगभग पीड़ित नाबालिग छात्रा के घर में पीड़ित को अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले शिवम तिवारी पिता रामजी तिवारी घर के अंदर घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट और अश्लील हरकत की थी। पीड़ित छात्रा ने सगरा थाने में शिकायत की तो पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, फिर काफी मिनटों के बाद पुलिस वालों ने अपने मनमानी तरीके से ही मुकदमा कायम कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्रा ने पुलिस अधीक्षक से की है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित छात्रा का क्या कहना है। मैं सगरा गाँव से आई हूँ, जिला रीवा है। इतना वो छेड़खानी हुई है। पूरी बात बताओ, कैसे क्या घटना हुआ? शिवम तिवारी नाम का पीछे से आया और छाती में हाथ रख कर पकड़ लिया। मैंने बोला कि छोड़ दो भाई, तो उसने मुझे उठा के पटक दिया और उतने में उसकी माँ आ गई। मैं बोली कि मैं अपने माँ से बता दूंगी, तो उसकी माँ बोली कि अब इसको मार दिया जाए जान से। इसके बाद मैं उठ के वहाँ से भागने की कोशिश की, तो उसने उठाकर शिवम तिवारी ने उठाकर मेरे को छड़ मार दिया। थाने गई थी आप लोग? जी हाँ, थाना सगरा गई थी। वहाँ एक्चुअली कोई एक्शन नहीं उठाया गया। मैंने हाथ पैर जोड़ के बोला कि भाई रिपोर्ट लिख लो, उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बाद में रिपोर्ट लिखा भी तो उन्होंने अपने मनमर्जी से रिपोर्ट लिखा। भी उसके साथ में रहते हैं, वो भी मना नहीं करते हैं। क्या कैसे कब से परेशान कर रहा है? क्या जब से पिताजी ख़त्म हो गए तो छेड़खानी करता ही रहता है। वो तो बच्ची है, मेरे को भी परेशान करता है। दोनों मिलकर मेरे को भी मारे थे, तभी सगरा थाना में जाके रिपोर्ट लिखाई, फिर हो गया सब। वो करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, तो सोचे कि घर का मामला है, कोई बात नहीं है, देखदार तो छोड़ दिए। फिर वो बारम्बार उसी तरह कर रहा है। कोई विवाद नहीं था उनके ख़त्म हो जाने के बाद। उनको ये है कि उनको घर से निकाल दिया जाए, कि घर में ना रहें। अभी क्या घटना घटी बच्ची के साथ? मैं तो मार्केट चली गई थी, बाजार खुद उन्हीं के बच्चे के बड़े वाले बच्चे के साथ गई थी। वो उसको अकेले पाके छेड़खानी किया, जब घर के तो उसकी बड़ी मम्मी पकड़ ली, वो भी मारी और बोली कि इसको मार डालो जान से, कि जो बयान ना कर पाए। शिकायत अभी आपकी कहीं भी थाने में गई तो बोले कि होगा मामला इतना ही रहने दो। आज कहाँ? अभी आते समय धमकी दी। अभी आते समय ये भी बोले कि जाओ, जो करना हो तो कर लो, कोर्ट कचहरी सब मेरे हाथ में है। आज कहाँ आए थे आप लोग? आज ही SP यहाँ आए हैं।